इन दिस वीडियो वी गोना बी सीइंग कि हमारे साइकिलिंग के लिए कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा बेस्ट है, इस तरीके के सैडल कवर्स जो कि बहुत इजीली मार्केट में मिलते हैं, या फिर इस तरीके के साइकिलिंग स्पेसिफिक शॉर्ट्स। सो आज के वीडियो में ये दोनों प्रोडक्ट का डिफरेंस मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि आप अपने लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट को चूज़ कर सकें। So hey guys, welcome back to the channel. My name is Vishu. I welcome you all to my channel Cycle Rider Roy. If you are new to my channel या फिर अगर आप मेरे videos को सबसे पहली बार देख रहे हो अभी, तो make sure आप इस channel को subscribe कीजिए and साथ ही जो bell button है उसको आप press करके रखिए, ताकि every week जब भी new videos मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। जनरली अभी काफ़ी सारे लोग साइकिलिंग को चूज़ कर रहे हैं एंड साइकिलिंग को एज अ स्पोर्ट्स वो लोग ले रहे हैं, एंड इसी के साथ बनता है कि काफ़ी सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस राइड भी करना चाहते हैं। एज अ बिगिनर हम लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि क्या हमको साइकिलिंग स्पेसिफिक शॉर्ट्स लेने चाहिए, या फिर जो सैडल कवर आपने देखा हो कि जो स्टोर वाले होते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा सजेस्ट करते हैं कि आप अपने साइकिल के साथ इसको एज अ एक्सेसरी खरीदो, वो आपके लिए बेस्ट होगा। सो चलिए इसका पूरा इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ। स्टार्ट करते हैं इस तरीके के बाइसाइकिल सैडल कवर से। ना नॉर्मली आपने देखा है कि मार्केट में या फिर ऑनलाइन इस तरीके के सैडल कवर्स आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, एंड एज अ बिगिनर जब आप अपनी साइकिलिंग को राइड करते हो तो ये जनरल है कि उसके जो सैडल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नैरो होते हैं, जिसके वजह से कई बार होता है कि हमारे बम्स में पेन होना शुरू हो जाता है। अरे मेरे बम्स, तो हम लोग सोचते हैं कि यार इस तरीके का सैडल कवर ले लेते हैं जो कि कई बार या तो फोम का होता है, या फिर करंटली जो मेरे हाथ में है ये पूरा जेल बेस्ड सैडल कवर है, एंड हम लोग इस तरीके के प्रोडक्ट्स को खरीद लेते हैं ये सोच के कि यार आगे जाके हम जब राइड करेंगे तो ये हमको एक कंफर्टेबल पोजीशन देगा एंड कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करेगा। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, बिकॉज इस तरीके के जो सैडल कवर्स होते हैं मोस्टली, फिर चाहे वो फोम के बने हुए हो या फिर जेल बेस्ड हो, वो सिर्फ और सिर्फ आपको 5 से 10 किलोमीटर तक की राइड के लिए ही कंफर्ट दे सकते हैं। जैसे ही आप 10 किलोमीटर से ऊपर की राइड प्लान करते हो या फिर आप थोड़ा लॉन्गर डिस्टेंस जाना चाहते हो, इस तरीके के सैडल कवर्स आपको बिल्कुल भी कंफर्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे। लेट मी एक्सप्लेन कि इस तरीके के जो सैडल कवर्स होते हैं ये आप लोगों के लिए क्यों अच्छे नहीं होते। नॉगेज जनरली इस तरीके के सैडल कवर्स आप देखोगे कि जब आप अपने बाइसाइकिल सीट के ऊपर इसको माउंट करते हो तो ये कुछ इस तरीके से आपके सैडल के ऊपर लग जाता है, एंड फिर आप इसको इस तरीके से टाइट कर लेते हो ताकि अपने पोजिशन पर बना रहे। पर जब आप इसको साइकिलिंग करने के लिए निकलते हो एंड इसके ऊपर अपने सारे वेट को पुश करते हो, तो आपके जब पेडल का मूवमेंट होता है उसी के साथ साथ आप देखोगे कि सैडल का मूवमेंट भी लेफ्ट से राइट होना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है गाइस कि ये फ्रिक्शन क्रिएट करता है, एंड फ्रिक्शन क्रिएट होने के वजह से आपके ग्रॉइन एरिया में, मींस आपके लेग्स के बीच वाले एरिया में बहुत ही ज़्यादा हीट जनरेट होती है, एंड उससे आपको काफ़ी ज़्यादा पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, एंड स्वेटिंग आने के वजह से कई बार रैशेज़ हो जाते हैं या फिर हमको कई तरीके की प्रॉब्लम्स भी हो जाती है। एंड ऐसा भी मैंने देखा है कि जब आप इसको लॉन्ग डिस्टेंस में राइड करते हो, ड्यू टू ऑल दिस फ्रिक्शन, स्वेट, इन सभी चीज़ों के वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट एंड पेन होना शुरू हो जाता है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन कि जो ये साइकिलिंग स्पेसिफिक शॉर्ट्स होते हैं, फिर चाहे वो इनर शॉर्ट्स हो, बिबलेस शॉर्ट्स हो या बिप शॉर्ट्स हो, ये हमारे साइकिलिंग के लिए क्यों बेटर होते हैं। नाउ गाइस, दिस इज़ अ इंटरनल शॉर्ट्स फॉर साइकिलिंग। एज यू कैन सी ये काफ़ी शॉर्ट सा है एंड इसको इंटरनली ही यूज़ किया जाता है। नाउ इसका भी जो मटेरियल है ये भी आप देख सकते हो कि पूरी तरीके से लाइक्रा एंड स्पैंडेक्स का बना हुआ है। इनकी जो स्टिचिंग होती है वो भी काफ़ी अच्छी आपको मिलती है, ताकि ये आपके स्किन को किसी भी तरीके से इरिटेट ना करें। इंटरनली अगर आप इनके पैड्स को देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं। एज यू कैन सी ये कह रहा है जेल, बिकॉज ये जो शॉर्ट्स है इसमें जेल एंड फोम का इंसर्ट लगा हुआ है, एंड एज यू कैन सी आपको सेंटर में काफ़ी छोटे छोटे होल्स देखने को मिलेंगे। ये हेल्प करता है आपका काफ़ी अच्छा एयर फ्लो बना रहने में, जिससे स्वेटिंग काफ़ी इजीली अब्सॉर्ब हो जाए, एंड आपके प्राइवेट एंड ग्रोइन एरिया को काफ़ी हद तक ये हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज दिस टाइप ऑफ बिबलेस शॉर्ट्स, बिकॉज इसके ऊपर आपके ऊपर वाले बॉडी पोर्शन का जो बिब होता है वो नहीं है, दैट इज़ द रीज़न इट इज़ कॉल्ड अ बिबलेस शॉर्ट। नाउ इसका भी जो मटेरियल होता है वो भी काफ़ी हद तक स्ट्रेचेबल, स्पैंडेक्स एंड लाइक्रा का बना हुआ होता है, जिसके वजह से ये भी काफ़ी हद तक हीट डिसिपेशन में हेल्प करता है, एंड लाइक्रा एंड स्ट्रेचेबल फैब्रिक होने के वजह से ये आपके बॉडी शेप को पूरी तरीके से कवर करता है। इस तरीके के बिबलेस या फिर एक्सटर्नल शॉर्ट्स में आपको थाई एरियाज़ में कुछ इस तरीके से स्ट्रैप्स मिलते हैं, तो ये स्ट्रैप आपके पूरे शॉर्ट्स को एक ही पोजिशन में बनाए रखता है, जिससे आप कंफर्टेबल राइड कर सकते हो। पैड्स को आप देखोगे तो इसमें भी आपको पूरे इस तरीके की शैमी की पूरी एक लेयर मिलती है, ये शैमी हेल्प करता है आपके सिट बोन्स, आपके प्राइवेट एरिया, क्रॉच एरिया को ये काफ़ी हद तक हेल्प करता है, जिससे वहाँ पे हीट
एंड स्वेटिंग से ये आपको बचा सके। ये काफ़ी अच्छे तरीके से स्वेट को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, जिससे लॉन्ग डिस्टेंस राइड में आपको रैशेज या फिर किसी भी तरीके के पेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होती है। नेक्स्ट वी हैव इज़ दिस बिप शॉट। एज यू कैन सी, इसको बिप शॉट इसलिए बोला जाता है बिकॉज इसमें आपको नीचे शॉर्ट्स के साथ साथ ऊपर आपको बिप भी मिलता है, जो कि पूरा इस तरीके से आप देख सकते हो, ये पूरा आपके बॉडी पार्ट को पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा कवर करता है। नाउ सिमिलर टू बिबलेस शॉर्ट्स, इसमें भी आपको इस तरीके का स्ट्रेचेबल स्ट्रैप मिलता है जो इसको स्लिप करने से हेल्प करता है। सिमिलर टू बिबलेस शॉर्ट्स, इसमें भी आपको जेल एंड फोम की पैडिंग्स मिलती है। जैसा कि मैंने बताया था कि डिफरेंट पैड्स में आपको डिफरेंट तरीके की पैडिंग्स देखने को मिलेंगी। एज यू कैन सी, दोनों की पैडिंग देखो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। आप देख सकते हो कि एक पैडिंग में काफ़ी डिफरेंट सेक्शंस को इलैबोरेट किया हुआ है एंड दूसरे पैड में डिफरेंट तरीके से इसके पैड के सरफेस को पूरे तरीके से बनाया हुआ है। सो गाइज, आपने देखा कि क्या डिफरेंस है एक सैडल कवर में और एक बाइसिकल स्पेसिफिक शॉर्ट्स में। सो डेफिनेटली आई रिकमेंड कि अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग करना चाहते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ बाइसिकल शॉर्ट्स को ही इस्तेमाल करो, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। एंड इन केस अगर आप एक शॉर्ट राइड करना चाहते हो 5 से 10 किलोमीटर का सिर्फ कम्यूटिंग पर्पज से, सो आप एक सैडल कवर का इस्तेमाल कर सकते हो। सो गाइज, डू लेट मी नो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, एक सैडल कवर या फिर एक बाइसाइकिल स्पेसिफिक शॉर्ट्स। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल बटन आइकन। एंड मेरे रिगार्डिंग कुछ और अपडेट्स को पाना चाहते हो या फिर मेरे को सपोर्ट करना चाहते हो तो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल @cycleriderroy। वहाँ पे हम लोग काफ़ी सारी बातें एंड मस्ती वगैरह करते रहते हैं। सो इफ यू आर ऑन इंस्टाग्राम, कम फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल। सो आई सी यू विद अनदर वीडियो गाइस, टिल देन कीप पेडलिंग, स्टे फिट एंड ऑलवेज स्माइल। बाय बाय।